डीजे यानी कि धुविधा जगन्नाथम साउथ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मूवी है जिसे 50 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने टोटल 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। हर साल साउथ इंडियन सिनेमा लगभग 300 मूवीज बनाती है, पर डीजे एक ऐसी मूवी आई जिसमें अल्लू अर्जुन के अंदाज ने सबको दीवाना बना दिया था। मूवी की लव स्टोरी, डायलॉग और एक्शन सब एकदम दमदार लेवल के थे और अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री सबको खूब पसंद आई थी। इस मूवी में अल्लू अर्जुन एक अंडरकवर ऑफिसर रहते हैं जो करप्शन को खत्म करने के लिए अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। मूवी को हैदराबाद फिल्म सिटी और दुबई में शूट किया गया है। आपको बता दें कि मूवी में किसी भी तरह के VFX या CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया है और हर एक सीन रियल लोकेशंस पर ही शूट हुई है। मंदिर वाला सीन यानी कि इस सीन को कर्नाटका के एक मंदिर में शूट किया गया था। वैसे तो इस मंदिर में काफी सारे सीन शूट किए गए थे, पर स्टार्टिंग में यहाँ शूट करने में काफी दिक्कत हुई थी क्योंकि वहाँ के पुजारियों ने इसका विरोध किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने वहाँ अलग से एक मूर्ति को स्थापित कर दिया था जो पुजारियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि बाद में सभी चीजें ठीक हो गई और मूवी को वहाँ शूट किया गया। ये फाइटिंग सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन फाइटिंग सीन है जिसमें डीजे यानी कि अल्लू अर्जुन अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं और अपनी टीम के साथ गुंडों को मारने के लिए जाते हैं। इस 8 मिनट के दमदार सीन को बनाने के लिए मेकर्स ने कई दिनों तक शूटिंग किया था। इस फाइटिंग सीन को शूट करने के लिए ट्रैक कैमरे की मदद ली गई थी जो स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां अल्लू अर्जुन के डायलॉग डिलीवरी के साथ गुंडों से लड़ने तक का स्टाइल भी काफी जबरदस्त था, इसीलिए तो उन्हें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन कहा जाता है। जैसा कि मूवी में आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन एक ब्राह्मण होते हैं और गले में उन्होंने रुद्राक्ष को भी पहना होता है और जब भी उन्हें किसी केस को सॉल्व करना होता है तब वो रुद्राक्ष उतार देते हैं। खास बात तो यह है कि अल्लू अर्जुन ब्राह्मण के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाने के लिए नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, इसी के साथ गले में रुद्राक्ष भी पहना था और मूवी की शूटिंग जितने दिन भी चली थी उतने दिन उन्होंने नॉनवेज खाना तो दूर उसे छुआ तक नहीं था। ये दिखाता है अल्लू अर्जुन का एक मूवी के लिए डेडिकेशन। ये मूवी का घर वाला सीन है जिसे शूट करने के लिए हाई डेफिनेशन GIV कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा क्रेन कैमरे से भी कुछ सीक्वेंस की शूटिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लू अर्जुन अपने ब्राह्मण वाले लुक में दिखने के लिए माथे पर चंदन लगा रहे हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे झूले वाले सीन को शूट किया जा रहा है। इस सीन को शूट करने के लिए कैमरे को झूले पर ही टिका दिया गया है ताकि उस मूवमेंट को अच्छी तरह से कैप्चर किया जा सके। आप अल्लू अर्जुन के सेट पर फनी सीन्स को देख सकते हैं। मूवी में पूजा हेगड़े के भी एक्टिंग जबरदस्त थी। डीजे फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मिस्टर बोस हैं जिन्होंने फोर्स और काबिल जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी में आप उनके काम को देख सकते हो। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर हरीश शंकर ने भी अपना 100% दिया है। वो अधिकतर पवन कल्याण और रवि तेजा के फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। इनकी डायरेक्ट की गई मूवी में एक्टर्स के लिए काम करना आसान हो जाता है क्योंकि वो पहले उस पर्टिकुलर सीन को करके दिखाते हैं जो उन्हें एक्टर से करवाना होता है और फिर स्टार्स उनकी कॉपी करते हैं, जिससे कम टाइम में एक परफेक्ट सीन को शूट कर लिया जाता है और रिटेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। जैसा कि अल्लू अर्जुन ने मूवी में 2 रोल प्ले किया है जिसमें उनके अंडरकवर ऑफिसर वाला रोल काफी सीरियस होता है, वहीं उनका ब्राह्मण वाला रोल काफी चंचल होता है और इस रोल में जब तक उनके गले में रुद्राक्ष होता है वो किसी पर हाथ नहीं उठाते। मूवी में आपको ये सीन याद होगा जहां अल्लू अर्जुन को स्टीफन नाम का गैंगस्टर मारने के लिए आता है। इस सीन को विजयवाड़ा जंक्शन में शूट किया गया है। आप इस सीन की शूटिंग होते हुए देख सकते हैं जहां अल्लू अर्जुन ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और कैमरामैन भी ARI नाम के हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ इस सीन को शूट कर रहा है। ये बिहाइंड द सीन मूवी के CTMR सॉन्ग का है जिसके लिए आप एक्टर्स के गेटअप को देख सकते हो। डीजे मूवी के हर एक सॉन्ग में DSP सर का म्यूजिक है जिन्होंने अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी में भी अपना म्यूजिक दिया है। जैसा कि अल्लू अर्जुन अच्छे एक्टर होने के साथ एक अच्छे डांसर भी हैं, इसीलिए गाने में उनके स्टेप्स काफी जबरदस्त थे जिसकी प्रैक्टिस करते हुए आप उन्हें देख सकते हो। इस गाने की खास बात यह है कि सलमान खान की राधे मूवी के लिए इस गाने के राइट्स को खरीदा गया था और राधे मूवी का थीम सॉन्ग भी यही था। अभी तक तो बॉलीवुड में सिर्फ साउथ की मूवीज रीमेक होती थी, पर अब गाने भी रीमेक होते हैं। आपने मूवी का ये सीन देखा होगा जिसे हैदराबाद के 4 मीनार के आगे शूट किया गया है। वहीं पूजा हेगड़े का ये वाला सीन दुबई के जुमेरा टावर्स में शूट किया गया है। मूवी में कुछ ही ऐसे सीन्स है जिसे दुबई में शूट किया गया है, बाकी सारे सीन्स इंडिया के आंध्र प्रदेश के ही हैं। जैसा कि ये सीन आपको याद होगा जिसे विजयवाड़ा बैरेज पर फिल्माया गया है। मूवी में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को चिरंजीवी की साल 1988 की फिल्म रुद्रवीणा से इंस्पायर होकर बनाया गया है जिसमें चिरंजीवी भी एक ब्राह्मण होते हैं। साउथ के एक्टर्स में यही खासियत होती है कि वो जिस भी रोल को करते हैं उसे काफी शिद्दत से करते हैं, इसीलिए तो ब्राह्मण के रोल के लिए अल्लू अर्जुन ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था ताकि वो ब्राह्मण के रोल को फील कर सकें। मूवी के राइट्स को गोल्ड माइंस ने भी खरीदा था ताकि वो उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सके और वहां भी मूवी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था जिसे मात्र 15 दिनों में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे और शायद आपने भी मूवी को पहली बार यूट्यूब पर ही देखा था। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी थी कमेंट में जरूर बताइए और हमें आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।